हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितना आप लोग को 50 मार्क्स हिंदी का कल एग्जाम है ना, इस 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 25 ऑब्जेक्टिव में आपको 10 जो है आप लोगों के बुक से रहते हैं, 15 जो है आप लोगों के व्याकरण से रहते हैं। ये 15 नंबर जो व्याकरण से आपको अगर 15 में 15 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा ना, तो हम लोग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, अगर 15 नंबर चाहिए आप लोगों को फुल में फुल, तो इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे छात्र को लगता है कि ये फेक वीडियो है और ये मिलता उलता नहीं है, तो मैं बता दूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे ना तो आप लोग पछताओगे, ज़रूर पछताओगे, क्योंकि इसी जितने भी क्वेश्चन हम लोग बात यहाँ पे करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो जानते होंगे, पटना में रहते होंगे, ठीक है, या फिर 12th पास करके गए हैं यहाँ से, तो जितेंद्र सर का नाम जानते होंगे दोस्तों, जो 50 मार्क्स इंग्लिश या फिर 100 मार्क्स इंग्लिश का पढ़ाते हैं, उसी का यहाँ पे गेस हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे मेरे चैनल की ओर से। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 मार्क्स इंग्लिश का भी, 100 मार्क्स इंग्लिश का भी हम लोग गेस देने वाले हैं दोस्तों, इसी सर का फ्री में देंगे आप लोगों को दोस्तों यूट्यूब पर, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, और कल एग्जाम देने के बाद जब आंसर की लाएंगे ना, तब बताइएगा दोस्तों कि कितना मिला या फिर नहीं मिला। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नया वीडियो पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है, तो धर्म शब्द का धार्मिक हो जाएगा, तो सही उत्तर एक का, ये बहुत बार मैंने ये बताया है। दो नंबर है दोस्तों कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है दोस्तों, ये होता है नमकीन, तो सही उत्तर दो का ये हो जाएगा आपका। तीन नंबर है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से उस संज्ञा के भेद होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे 6 प्रकार के या फिर कुछ और प्रकार के याद किए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, व्युत्पत्ति की अगर दृष्टि से बात करें ना, तो ये होता है 3 प्रकार के, तो 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अगर अर्थ की दृष्टि से बात करें ना, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों आपका कितने भेद, तो 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। 5 नंबर है कि जल का लिंग निर्णय करें, तो जल का अगर लिंग निर्णय अगर किया जाए दोस्तों आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका पुलिंग, ठीक है। जल जो है ना एक पुलिंग ही, यहाँ पे पुलिंग हो जाएगा, तो 5 का बी। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है आप लोगों को कि परीक्षा का लिंग निर्णय करे, तो परीक्षा जो है ना कौन सा शब्द है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पर आपका 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि जी का लिंग निर्णय करे, तो बहुत सारे छात्र जानते होंगे जी, बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो ये पुलिंग हो जाएगा, तो 7 का ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था दोस्तों, मैंने आप लोगों को गलती से शायद वहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया था, कलम के जादूगर जो है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगर कलम के सिपाही अगर पूछा जाए तो वो आपको प्रेमचंद को मारना है, मैंने वहाँ पर गलती से बता दिया था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर कलम के जादूगर, बाय मिस्टेक हो गया था। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था प्रीवियस अगर वीडियो देखे होंगे, तो कलम का अगर जादूगर पूछा जाए ना, तो वो हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अगर कलम का सिपाही पूछा जाए तो हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद, और कथा सम्राट अगर पूछा जाए तो वो भी मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा वीडियो में मिस्टेक हो गया था। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो छात्रावास जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुलिंग, तो सही उत्तर 8 का ए हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। 9 नंबर है दोस्तों कि आत्मा का लिंग निर्णय करें, तो आत्मा का जो लिंग निर्णय होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अगर इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं सब्जेक्टिव, इसके बाद 1 घंटे के अंदर हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अगर चाहिए तो फटाफट कमेंट कीजिए 1 नंबर वाले, और सारांश जो है पूछा जाता है दोस्तों, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा इसी सर के गेस से, ठीक है। आत्मा का लिंग निर्णय क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो 9 का सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता है, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं, तो सही उत्तर 9 का 10 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 11 है दोस्तों कि जीवन शब्द का विलोम शब्द लिखे, तो जीवन का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये मरण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जीवन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो मरण हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं दोस्तों कि बाढ़ शब्द का विलोम क्या होगा, अगर बाढ़ शब्द का विलोम अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों को, तो ये बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूखा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे बाढ़ का सी, सॉरी मतलब 12 का सी। 13 है कि गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, तो गणेश का जो पर्यायवाची होगा ना दोस्तों, ये आपका गिरिजानंदन हो जाएगा, तो बहुत बार ये मैंने क्वेश्चन बताया आप सभी को, तो 13 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इस वीडियो में क्या है दोस्तों, आप लोगों को एक टॉपिक से नहीं, ग्रामर के एक टॉपिक से नहीं, सभी टॉपिक से कवर किए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बनते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे।
14 नंबर है कि सूर्य का पर्यायवाची लिखे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर 10 क्वेश्चन भी मिल जाता है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों के लिए क्या और चाहिए दोस्तों, आप लोग तो भर साल पढ़े हो, ठीक है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि भाई गेस नहीं मिलता है। भाई देखो, एक वीडियो से गेस नहीं मिलता है। मैं आप लोग को अगर भर साल आप लोग पढ़े हो ना गेस, देखिए अगर 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, तो ज़रूर उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या हो रहा है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना हिंदी 50 मार्क्स में, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। फिर 15 आता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद करें, तो विद्यालय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना, तो हो जाएगा विद्या और आलय, तो सही उत्तर 15 का बी याद रखिएगा दोस्तों। 16 नंबर है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद लिखे, तो गुरु उपदेश का जो सही संधि विच्छेद होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, गुरु जोर उपदेश, तो गुरु उपदेश हो जाएगा, तो सही उत्तर 16 का सी। 17 नंबर है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे, तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ स्पष्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों पछताना, हाथ मलना पछताना हो जाएगा, तो 17 का डी आपका सही हो जाएगा। 18 देखते हैं कि कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे, तो कान देना मुहावरे का जो अर्थ स्पष्ट होगा ना, तो ध्यान देना हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति अगर कान देता है तो वो यहाँ पे ध्यान देना इसका मतलब हो जाएगा मुहावरे का, तो 18 का सी। 19 है दोस्तों कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे, अगर घी के दिए जलाना का मुहावरे का अर्थ पूछेगा ना, तो वो आनंद मनाना हो जाएगा। बोला है घी के दिए जलाना, भाई कौन घी के दिए जलाएगा उतना महंगा, तो वो आनंद मना रहा है, ठीक है, न कि दिवाली मनाना, दिवाली मनाना नहीं होगा यहाँ पे, आनंद मनाना होगा, तो सही उत्तर 19 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 20 देखते हैं कि आचरण का लिंग निर्णय करें, तो आचरण शब्द जो है दोस्तों वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, तो ये आपका दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा आचरण, तो उसे उत्तर 20 का सी। 21 है कि दहेज का लिंग निर्णय करें, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना डायरेक्ट आप लोगों को पूछे जाएंगे, एक भी चीज़ जो है ना आपको, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट भी बता दिया, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उससे आप लोग को कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव से। दहेज का लिंग निर्णय अगर बोला जाए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो पुलिंग हो जाएगा। फिर आता है कि पुस्तक का लिंग निर्णय, तो पुस्तक का अगर लिंग निर्णय करने के लिए बोला तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा पुस्तक, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी। 23 नंबर है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के जो भेद हैं दोस्तों ये आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 7, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं, तो 7 भेद है, सॉरी 8 भेद है दोस्तों, मैंने गलत बता दिया, कारक के कितने भेद हैं, तो 8 भेद है, देखिए फ्लो में निकल जाता है बाय मिस्टेक दोस्तों, ठीक है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है दोस्तों, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो काफ़ी बार मैंने बताया तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर 24 का सी हो जाएगा। 25 देख लेते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के जो है ना 3 भेद होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 25 का सी। 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द कनक हो जाएगा, कनक को ही हम लोग सोना बोलते हैं। फिर आता है 27 कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द शारदा हो जाएगा, माँ शारदा बोलते हैं ना, तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का डी। फिर 28 है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखे, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमि हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पर 28 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भूमि, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं कि दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे, तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मित्रता होना, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 29 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर की पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अगर पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ अगर पूछा जाए ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों हार कर भाग जाना, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का बी हो जाएगा। 31 है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताए, तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो हो जाएगा दिक जोर अंबर, तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का आपका डी हो जाएगा, दिक में हलंत होगा, तो दिक जोर अंबर, क्योंकि दो ये भी है आपका ये भी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिक जोर अंबर, कॉम में जो है ना हलंत होगा यहाँ पे, तो 31 का डी। 32 है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पवित्र शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो हो जाएगा पो जोर इत्र, तो याद रखिएगा यहाँ पे 32 का डी, पो जोर इत्र मतलब पवित्र, ठीक है। 33 आता है कि परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो परीक्षा का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो आपका हो जाएगा परिजोर इच्छा, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा, परिजोर इच्छा, तो यहाँ पे 33 का ए। 34 है दोस्तों, देखिए ई में जो है ना यहाँ पे ये होगा, ठीक है,
चौथी है कि संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के जो प्रकार हैं दोस्तों वो आपका तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कितने क्वेश्चन किए हैं, 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में आपको 10 से प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं आप लोग। आगे के जितने भी वीडियो आने वाले हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए दोस्तों। हम लोग अब एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जल्द ही वीडियो आएगा दोस्तों। बन रही है दोस्तों इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।